Hi everyone, all can hear me? So yes, we will start in 2 to 3 minutes. I have notified them all. Let all join.
All right, so most of you have joined, so we will start now. So yes, in the last class, all can hear me, guys? Just one or two, yes? Yes, sir. Okay, yes, great, sir. Great. So yes, in the last class, Varun, what did we go through in the last class? Just a basic rough idea. Last class में हमने क्या किया था? हाँ, vectors. Vectors में क्या किया था? Exact the last thing what we did. Types of vectors देखा था. Did we see the resultant of two vectors? Yes or no? No, we didn't see. We went through triangle law. Okay, we went through the basics of vectors. We completed all the types of vectors. And yes, we also had an introduction about I cap, J cap and K cap. स्क्रीन इट्स विजिबल टू ऑल वरुण यू कैन रिफ्रेश सभी को स्क्रीन देख सकते हैं ना ऑल कैन सी द स्क्रीन आई हैव शेयर्ड इट ऑलरेडी है ना ऑल कैन शेयर ओके सो बिफोर हेडिंग अहेड टू द न्यू थिंग्स जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन एवरी वन शुड डू अ बॉय गोज 5 meters north, 4 and then 4 meters along east. You are required to find the displacement vector. Find the displacement vector. Jaldi se. जो भी पहले करेंगे मैसेज भी इन द चैट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम बस उसी को एक क्वेश्चन रिकैप्चुलेट करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट अदर स्टेप्स चलो एक ऑप्शन मिला मुझे 3 K cap दूसरा मिला 4 I cap एंड 5 J cap
और तीसरा मिला रूट 41 के कैप। तो चलो मैं दे दिया कि टेक द नॉर्थ डायरेक्शन अलोंग वाई, तो ईस्ट डायरेक्शन क्या होगा अलोंग एक्स। तो ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक जा रहा है, 5 मीटर्स अलोंग नॉर्थ, दैट मींस 5 जे कैप एंड देन 4 मीटर्स अलोंग ईस्ट। तो यहां से 4 मीटर्स अलोंग ईस्ट, सो 4 आई कैप। सो व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाउ, 5 जे प्लस 4 आई। रीअरेंज कर दें तो हमें मिलेगा 4 आई प्लस 5 जे कैप। दिस इज आवर आंसर, हाउ सिंपल इट इज। नाउ फ्रॉम हियर इफ आई टेल यू टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेट मी नो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सभी कोई करेंगे। नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट तभी होगा जब ये एंगल 45 होगा, राइट? 45 है या नहीं है, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, राइट? ईदर ऑफ द एंगल यू हैव टू फाइंड, दिस एंगल यू कैन फाइंड और दिस एंगल यू कैन फाइंड। मैग्नीट्यूड में हम कभी आई कैप जे कैप नहीं लेते थे, देर वॉज अ डायरेक्ट फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में सिर्फ हमारा वैल्यू आएगा, सो दैट विल बी रूट 41। डायरेक्शन के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल, सो लेट अस सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड दिस एंगल, लेट अस से दिस इज थीटा, सो हाउ कैन आई फाइंड आउट, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan theta क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x, वो क्या है 4, राइट? दिस इज 4, सो 4 बाई 5। तो यहां से एंगल क्या लिखेंगे, tan inverse 4 by 5। सो what वी मस्ट से दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग एट, ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग at tan inverse 4 by 5 with respect to north। तो ये 45 नहीं है ना, we cannot say object is moving along northeast, northeast कुछ इधर होगा 45 degree पे। we already did this kind of question, एक और ऐसे करते हैं। so can you just please recap the cap concept? Cap concept multiple times we have gone through in the last class. Were you present in the last class? Yes, sir. Yes, so what doubt you have along this cap concept that is representing the direction? We were about to start new thing today. Let us quickly recapitulate. Ye jo hai x-axis mein, if I say object travels at 5 meter per second along x-axis, इसी को हम दूसरे तरह से कह सकते हैं 5 i cap। 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू। i cap क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन अलोंग
एक्स एक्सिस, है ना। तो ऐसे ही हमने डायरेक्शन फिक्स कर दिया कि बार बार स्टेटमेंट इतना बड़ा बड़ा लिखें, बेटर देन दैट वी कैन यूज दिस शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो वैसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो क्या होगा, आई कैप। वाई एक्सिस के तरफ अगर जा रहा है तो क्या होगा, जे कैप। जेड एक्सिस के तरफ अगर जा रहा है तो क्या होगा, के कैप। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड एक्सिस। वैसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तो क्या होगा, माइनस आई, माइनस जे, माइनस के। बस यही है यहाँ पर आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कॉन्सेप्ट। थैंक यू। हाँ, हाउ टू डिनोट इफ द डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सो लेट अस सपोज अभी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट 5 meters per second अलोंग ईस्ट। सो रिमेंबर व्हाट इज माय मोटो इज टू आंसर शिवांश क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम ये छोटी छोटी चीजें देखेंगे। ये है हमारा मोटो। सो क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट 5 meters अलोंग एक्स एक्सिस। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। ये देखो गाइस, ये भी मैंने वेक्टर ही यहां पर शो किए हैं। आई हैव रिप्रेजेंटेड, आई हैव प्रोड्यूस्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन शो कर दिया ना मैंने, आई हैव रिटन द डायरेक्शन, आई हैव रिटन द मैग्नीट्यूड। तो मैंने वेक्टर क्वांटिटी ही यहां पर प्रेजेंट किया है, बट इसको इजी फॉर्म में हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज फर्स्ट थिंग। नंबर टू, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट 15 meters per second अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट एट 10 meters per second। फोर्थ, ये चार पॉइंट्स अगर क्लियर हो गए ना सभी को, सो वेक्टर अंडरस्टैंडिंग वेक्टर दैट विल बी वेरी वेरी इजी। फोर्थ पॉइंट जो हमें याद रखना है, ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट 5 meters per second along a direction making 30 degree with respect to x axis। और ये अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट एट 10 meters per second, तो हमें यह भी मेंशन किया होना चाहिए, इफ नॉर्थ इज अलोंग वाई एंड ईस्ट इज अलोंग एक्स। ये मेंशन नहीं रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा एक्स और वाई किधर है, कोई किधर ले लेगा, कोई किधर भी ले लेगा। सो दिस हैज टू बी मेंशन। ओके, तो पहले वाले में इफ आई राइट 5 y कैप, ये कितनों को समझ नहीं आया, सेकेंड वाले में -15 k कैप, ये दो पॉइंट्स कितनों को समझ में नहीं आया, दे हैव टू रियली रियली सी द प्रीवियस लेक्चर्स, और मैंने अभी भी इनको समझा दिया है। Those who say no, they should message me in the chat what is their doubts.
क्योंकि इसमें समझने की कुछ बात ही नहीं है. सो इफ आई प्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट आई कैन सी 99% saying yes, 2% saying no. So of course you should say me in the chat what is your doubt, what is your concern. क्योंकि ये दोनों तो हमारा डायरेक्ट पॉइंट है, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लेवल. ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? अलोंग नॉर्थ ईस्ट. ये रहा. एक्स किधर है? ईस्ट के तरफ बता रखा है क्वेश्चन में. वाई किधर है? नॉर्थ के तरफ बता रखा है. राइट. ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट है तो हमें एंगल पता है 45 डिग्री. And it is moving at 10 meter per second. तो इससे पहले कि मैं इसको बताऊं, trigonometry definitely you all have not completed. But as I said, देखो आज use हो गया ना trigonometry. मैंने trigonometry का पूरा video बना के डाला हुआ है, basics of trigonometry as per NCERT level. तो वो कितनों ने देखा? याद है मैं 3-4 class पहले I have said you all to watch that. जो नहीं देखे ये तो फिर गड़बड़ हो गया. बिना ट्रिग्नोमेट्री के कैसे देखेंगे, कैसे यहां पे बढ़ेंगे आगे? चलो मुझे बताओ ट्रिगोनोमेट्री कितनों ने देखा? फर्स्ट वीडियो नहीं, एटलीस्ट पहले के दो वीडियोस देखना है. अगर उतना ही देखना है ना जितना फिजिक्स में यूज हो रहा है, तो पहले के दो वीडियोस. चलो अब जितनों ने देख लिया है, I'm going to go to the next slide.
तो लास्ट लेक्चर में हमने जो जो कुछ भी देखा, एवरीवन शुड टेक पार्ट. लेट मी नो हु अंडरस्टूड एंड हु डिडंट अंडरस्टैंड. लास्ट लेक्चर वी वेंट वेरी स्लोली, वेरी स्मूथली, वो भी मोर देन 2-3 टाइम्स वी वेंट. इनफैक्ट आज भी रिवाइज किया. गाइज, अगर यहां पर इफ यू ऑल आर सेइंग यस एंड एट द बैक इफ यू ऑल आर सेइंग यू डिडंट अंडरस्टैंड, जस्ट थिंक इज इट रियली गुड. अगर आप लोग यहां बताओगे कि समझ में नहीं आया या क्या प्रॉब्लम है, देन ओनली आई कैन कैरी आउट. आई से इट वेरी फ्रेंकली, जितने बार पूछना है पूछो. मैं इनफैक्ट स्लो भी हो गया. ये जो नो मैसेज कर रहे हैं ना, लेट मी नो मैसेज मी पर्सनली हु एक्चुअली डिडंट अंडरस्टैंड. I should take the complete voting today. Let me know. क्योंकि हम तभी आगे बढ़ेंगे when you all say very honestly कि कितनों को समझ में आया, कितनों को समझ में नहीं आया. और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, why you don't tell me? मुझे कहीं और से मैसेज मिलता है. लेट मी नो कितनों किनको समझ में नहीं आया. बिकॉज अगर ऐसा करते हो, कोई भी करता है, दैट्स वेरी क्लियर यू ऑल डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर समझना है, यू ऑल विल कीप आस्किंग मी, टेल मी टू स्लो डाउन, टेल मी टू फास्टन अप, स्पीड अप. दैट शोज योर इन्वॉल्वमेंट. If here you say yes and at the back if you say no, that means definitely there is some problem. I really cannot carry on like this. देखो अभी भी yes और no मिल रहे हैं. 90 मुझे जो रिजल्ट मिला, जस्ट ऑब्जर्व, 95% से यस समझ रहे हैं, एक समझ नहीं रहा है. तो जो समझ नहीं रहे हो भाई, तो वो मुझे बोलो ना, क्या समझ नहीं रहे हो. एट द बैक इफ यू से, अगर आप अपने पेरेंट्स से कहते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पेरेंट्स डाउट क्लैरिफाई करेंगे या फिर आप मुझसे पूछोगे. This is really not done, guys. I keep telling you all, 10 बार पूछो, 10 बार बताता हूँ. इनफैक्ट जो चीज मैंने पहले समझाया वो आज भी समझाया. मैं समझता हूँ यू कैन फॉरगेट, इवन आई फॉरगेट समटाइम्स. सम ऑफ यू आर नॉट क्लियर कि हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, राइट? आई हैव गॉट द मैसेज जस्ट नाउ. सम ऑफ यू आर नॉट क्लियर कि हम चैप्टर क्या कर रहे हैं. तो आपको फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, यू शुड बी टेलिंग मी. इफ यू ऑल से डेफिनेटली आई लीव, देयर इज नो इशू. मैं उसका भी पॉल कर ले, आई से इट वेरी ऑनेस्टली गाइस, मैं अभी उसका पॉल कर ले रहा हूं. अगर कोई प्रॉब्लम है ना, लेट मी नो वेरी ऑनेस्टली. मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, उसका कोई बात नहीं है. लेकिन आपको अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं,
सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी योर प्रॉब्लम्स, देव सर मुझे कह रहे हैं कि मतलब कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, सम ऑफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द टॉपिक, क्या चल रहे हैं. दिस इज रियली नॉट डन. नॉट अंडरस्टैंडिंग मैं समझ सकता हूं, बट टॉपिक क्या चल रहे हैं, व्हाट इज दिस. मुझे 10% नो कर दो, आई मेक इट वेरी श्योर आई विल लीव इट 100%. एंड ऑल शुड से योर रिजल्ट वेरी ऑनेस्टली. मैं देखो, मैं ना तो किसी को बताऊंगा, आई विल लीव इट 100%. मैंने कभी किसी को डांटा कि मतलब बार बार क्यों पूछ रहे हो. मुझे बस 10% दे दो, आई मेक इट श्योर यू विल रिमेंबर व्हाट माय वर्डिंग्स आर. आई विल लीव इट राइट नाउ. एंड आई वांट 100% फॉल रिजल्ट. चलो ठीक है, मतलब देखो सबको समझ में आ रहे हैं, सबको समझ में आ रहे हैं ना. अब यू ऑल शुड शो मी योर इन्वॉल्वमेंट. चलो गुस्सा अपनी जगह रह गया. यू ऑल शुड शो मी योर इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल शुड बी रेडी टू अनम्यूट, नॉट ओनली नाउ, इन एवरी क्लास. ओके, एंड आई मेक श्योर कि कोई भी डाउट हो ना, पर्सनली मैसेज करो मुझे. इवन राइट नाउ क्लास में पर्सनली मैसेज करो, मैं नाम भी नहीं लूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा. ठीक है, तो चलो एनीवेज लेट अस कंटिन्यू एंड आई कैन टेक एनीवनस नेम. ये दो पॉइंट तक क्लियर है ना सभी को? यस सर. ओके. यस सर. यस सर. नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोलना. मैसेज कर दो चैट में यस नो, कोई एक दो कर दोगे मैं समझ जाऊंगा सबको समझ में आ रहा है. ठीक है, फिर मुझे लगेगा तो मैं नेम लेके पूछ लूंगा. नंबर थ्री को फिर से देखते हैं. इसमें ट्रिगोनोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, राइट? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स. अच्छा, अब जो लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियोस आज मैं फिर अभी डाल देता हूँ, बिकॉज गाइज इट इज फॉर यू. ट्रिगोनोमेट्री के वीडियोस देखो और रफली मैं अभी फिर से बता दूंगा, शॉर्ट में अभी ट्रिग्नोमेट्री बता देता हूँ जो नहीं देखे हैं उनके लिए. ये रहा, ये ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस, आपके क्लासेस खत्म होंगे, वॉच दैट. और मैंने शायद आप लोगों को बता दिया था कि अगर डाउट्स होगा, डाउट्स में नॉट ओनली क्वेश्चंस, कोई पर्सनल भी डाउट्स है ना, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू नेविगेट टू द फॉर्म एंड टेल मी एंड आई विल आंसर इट वेरी क्विकली. ठीक है, ओके, मूविंग अहेड. यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, बिकॉज दैट इज वॉट वी रिक्वायर
in this number 3. तो हम उसमें tan का याद कर लेंगे. ये अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा मैं अगर लिख दूं P by B. So कितने लोग अग्री करते हैं कि tan थीटा P by B होते हैं. याद कर लो, कोई भी ट्रायंगल है ना, अगर हमें tan ऑफ दैट एंगल निकालना है सो टेक द अपोजिट साइड एंड डिवाइड इट बाय द बेस. जैसे कि चलो मैं ये ट्रायंगल देता हूं, ये मान लिया 3 है, ये 4 एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड नाउ आई विश टू फाइंड आउट tan थीटा. तो बताओ tan थीटा क्या होगा, एंड दिस आंसर विल बी गिवन टू मी बाय, आई रैंडमली टेक आदर्श. आदर्श विल टेल मी tan थीटा इस केस में क्या होगा. यस शिवांश, आई कैन अंडरस्टैंड. आप चैट में भी कर सकते हो. याद रहे tan निकालने के लिए हमने क्या किया है, अपोजिट बाय एडजेसेंट या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस. Yes, yes. Where are you, Adarsh? Four by three. चलो देखते हैं 4/3. ध्यान रहे तो यहां पर 3/4 होगा. क्यों 3/4 होगा, ये देखो. Just now I said, right? Tan theta निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइड लेंगे, right? तो इसमें theta का अपोजिट साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर, right? तो 3/4 होगा, 3/4 होगा, करेक्ट. सो हियर वी विल से tan थीटा इज 3/4. हमेशा दिस बाय दिस नहीं होगा, जो एंगल जो साइड थीटा के अपोजिट में है ना, टेक दैट साइड एंड डिवाइड बाय द साइड विच इज अलोंग दिस थीटा, राइट. दिस मेक्स सेंस नाउ. एंड नाउ इट सेज ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट बाई 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल कर रहा है मतलब एंगल 45 डिग्री है, राइट. एंड इसका स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड. अब इसका कॉम्पोनेंट लेंगे. कॉम्पोनेंट निकालने का मतलब है वी विल फाइंड आउट एक्स के एक्सिस में इसका पार्ट क्या है, एक्स पार्ट वी विल फाइंड एंड वाई पार्ट वी विल फाइंड, राइट. रिमेंबर जब भी हम कॉम्पोनेंट्स निकालते हैं वी ऑलवेज फाइंड अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जिनको पता है लेट मी नो एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या कॉम्पोनेंट होंगे. Thank you.
एक्स में हाँ वो डायरेक्शन होगा राइट, एक्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, हम एक्स को आई कैप से डिनोट कर सकते हैं, वाई को जे कैप से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज होंगे। कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, एक ये देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पर अगर मैं यूज करता हूं कोसाइन 45, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखे हैं, अब यहां पे मैं क्या हेल्प करूं उनको, ट्रिग्नोमेट्री पूरा अगर कंप्लीट कराने जाऊं तो ये एक सेपरेट यूनिट है, इसलिए मैं इसका सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया, और मल्टीपल क्लासेस में आई हैव बीन टेलिंग यू ऑल गाइज टू गो एंड वॉच दैट। ठीक है, तो cos 45 अगर यहां पर हमने यूज किया तो cos इज ऑलवेज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा, x अननोन, हाइपोटेन्यूज क्या है 10, तो यहां से हमें x का वैल्यू निकलेगा 10 टाइम्स cos 45, और cos 45 के वैल्यू याद रखना होगा 10 बाय रूट 2, एंड हियर वी गेट 5 रूट 2, सो द x कॉम्पोनेंट हियर वी गेट इज 5 रूट 2। ऐसे ही हम y कॉम्पोनेंट निकालेंगे एंड वी विल रिलेट यूजिंग साइन, सो साइन 45 विल बी y बाय 10 बिकॉज साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। चलो एक काम करते हैं, ये बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं किए हैं, लेट अस सी द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जिनका हो गया है दे विल रिवाइज, जिनका नहीं हुआ है दे विल फोकस हियर। सो वी विल रिमेंबर थ्री इंपॉर्टेंट एंगल्स, देर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बट वी विल रिमेंबर द थ्री इंपॉर्टेंट रेशियोज। एक तो हो जाएगा साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। सो लेट्स से वी हैव दिस ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। Remember, you can only get the value of sine, cos and tan if you have a right-angled triangle. So this is with respect to a right-angled triangle. So here if I want to find, just observe, this is angle A. So sine A, you have to remember, it is perpendicular over hypotenuse. इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, या फिर अपोजिट मान लो, इधर यू कैन कॉल परपेंडिकुलर और यू कैन सी अपोजिट, दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी hypotenuse. So sine A, you have to remember it is perpendicular by hypotenuse. Similarly cos A, you have to remember it as base by hypotenuse. These things you have to remember. I cannot help you in this. You have to remember these ratios. When I say tan A, you have to remember this is perpendicular by base. Just now we have seen. Now, if we all remember this, these relations, these observations, if we can remember, then let us see an example. So, pehle ek direct example. Let us say this is theta. Ye maan liya 3, ye 4, ye 5. To mujhe batao, sin theta, cos theta aur tan theta, iske values kya kya honge? So sine theta, answer will be given by Ayan. Cos theta, answer will be given by Akash, M. And tan theta will be given by Raghvi.
जल्दी से जिन जिन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है साइन कॉस और टैन यू विल लेट मी नो. Okay, so I have got the answer from Raghavi, 3/4. Chalo. And Akash and Ayan, tell me kya answer ho sakta hai? Akash says 4/5. 4/5, theek hai. Ayan, kuch bhi de do, agar lag raha hai ki galat hai, to koi baat nahi. We will check them out. Ayan should tell me for sine theta. आयान 4/5. चलो अब देखते हैं साइन थीटा. ध्यान से देखें साइन थीटा क्या है. साइन का देखो परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा. ये देखो यहाँ पे ये एंगल था, इसके रेस्पेक्ट में इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, राइट. तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, राइट. 3 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. गॉट दिस वन. 3/5. कॉस, कॉस वाला सही है. कॉस थीटा में क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होगा, तो 4/5 हो गया. चलो ये क्लियर है. टैन थीटा 3/4, ये भी करेक्ट है. चलो अब थोड़ा सा स्विच करते हैं क्वेश्चन को, बट हर जगह यही यूज होंगे. रिमेंबर गाइज दीज थिंग्स. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. सेकंड, ये रहा थीटा, ये रहा 3/4/5. नाउ आई वांट द वैल्यू फॉर साइन कॉस एंड टैन. साइन कॉस एंड टैन, चलो इसका आंसर बताओ मुझे. नाउ अगेन अमृत सेनापति विल टेल मी फॉर साइन थीटा. अमृत जल्दी जल्दी बताओ साइन थीटा क्या होगा. निशिका विल टेल मी फॉर कॉस थीटा. एंड समर्थ विल टेल मी फॉर टैन थीटा. चलो जल्दी 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 जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड गेट दीज रिजल्ट्स. चलो अमृत सेज 5/4, निशिका सेज 4/5 एंड समर फोर
4/3। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। साइन थीटा अब ऑपोजिट क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो 4 होगा राइट, तो ये होना चाहिए 4/हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है राइट, तो हाइपोटेन्यूज बेस में आता है। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला क्या है, साइन ए का क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नीचे रखना है ठीक है। तो आ गया हमारा 4/5 साइन थीटा। वैसे ही कोसाइन थीटा क्या आएगा, अब आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बहुत कोई इसमें क्या किए हो, इसी को बेस मान लिए हो राइट, बट ये जो परपेंडिकुलर एंड बेस होता है ना, दैट इज डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द एंगल, एंगल के अपोजिट जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर। सो एंगल के अपोजिट विल बी परपेंडिकुलर और बाकी जो होगा वो होगा बेस। तो पहले डिटरमाइन करना है थीटा अगर ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये साइन कॉस एंड टैन निकाल रहे हैं, तो हमारा ये होगा परपेंडिकुलर राइट। फर्स्ट आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा और बेस क्या होगा। अब ये बेस होगा राइट, इस केस में देखो ना थीटा के ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये हमारा बेस है ओके। सो नाउ कोसाइन थीटा क्या होगा, देखो कोसाइन थीटा का फिक्स है, क्या है थीटा, कोसाइन का है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखो यहां पर क्या है, 3 है बेस, हाइपोटेन्यूज 5 है राइट। टैन थीटा करेक्ट है, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 4/3। ये बेसिक क्लियर है ट्रिगोनोमेट्री के, बेसिक्स क्लियर है ट्रिगोनोमेट्री के, है ना, इसी को हम यूज करेंगे अभी वेक्टर्स में। ओके तो अब देखते हैं हम वेक्टर्स। अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा हट के। अभी क्या है, लेट अस सपोज आई हैव गिवन यू दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन दैट साइन 30 डिग्री इज 1/2। So you are required to find y and find x. चलो ये जल्दी से करो, everyone should do and let me know. ये सभी कोई करेंगे टुडे, एटलीस्ट फिनिश दिस बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये दो अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, ये दो पार्ट नहीं भी होगा तो चलेगा, बट इफ वी हैव स्टार्टेड ट्रिगोनोमेट्री बेसिक्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स देन वी शुड बी एबल टू कंप्लीट देम।
let us check here. To find y, what we need to find, what we need to include. If I take sine 30 degree, है ना, sine 30 degree जो दिया हुआ है उसको अगर लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, राइट? दिस विल बी परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस. सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2. तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा वाई विल बी 6/2 एंड दैट इज 3, एंड दिस इज आवर आंसर. और एक बार y अगर हमें 3 सेंटीमीटर मिल गया तो x को cos यूज करके भी निकाल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो फाइंड x यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड देन बेस स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी गेट 36 इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर. तो यहां से x स्क्वायर क्या होगा, 36 minus 9, and this will give x square as 27. So x will be root 27, and that will be 3√3. Okay, ये clear है. इसको एक दूसरे तरीके से मैं, yes, it is positive because x is representing the sides of triangle. ये पिछले क्लास में मैं बताया था ना कि अगर x square में 49 let us suppose मिलता है तो x का वैल्यू क्या होगा, प्लस एंड माइनस 7 दोनों हो सकते हैं, प्लस 7 भी हो सकते हैं, माइनस 7. टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ x, नाउ यू हैव टू थिंक whether the वॉल्यूम, whether the पॉजिटिव वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड और नेगेटिव वैल्यू कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड. तो अगर मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात करूं, so that solution will be plus minus √3√3. But for this question, what will be the value of x? That will be plus only. क्योंकि minus 3√3 क्या कभी sides triangle का negative होता है? Answer is no. Okay. अब जो है, ये तो मैंने आप लोगों को दे दिया था यहाँ पर sine 30 is 1/2, and which made the question very easy. But ये जो स्पेशल एंगल्स है ना, इसके ये वैल्यूज यू ऑल हैव टू रिमेंबर. नाउ टू रिमेंबर दोज वैल्यूज वी हैव अ ट्रिक. तो ट्रिक को देखने से पहले एक और चीज, एक और मेथड देख लेते हैं जिससे हम एक्स निकाल सकते थे. ध्यान से देखो, तो अगर मैं कॉस 30 कहता तो ये क्या होता, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना, मतलब एक्स बाय 6 ये होता. और अगर मुझे cos 30 का वैल्यू पता रहता, जैसे मुझे अभी पता है √3/2 होता है, तो मैं x का वैल्यू यहां पर इजीली निकाल सकता था, √3/3√3, है ना, इजीली निकाल सकता था. सो नाउ आवर मोटिव विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें कि हम इसके वैल्यूज देखेंगे, 30 डिग्री पे क्या होता है, 60, 30, इस पे क्या क्या वैल्यूज होते हैं, फॉर only sine, cosine and tan. तो आज हमारा ये complete होना चाहिए. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, anyone has any doubt till now, let me know. Very honestly, फिर से कर लेंगे, लेकिन पूरा होने के बाद थोड़ा problem हो जाएगा आप लोगों को. So take part in this poll. Tell me, यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक समझ गए. अब क्या करेंगे, ये ट्रिक को ध्यान से याद रखना है. कोई भी सर आपको यही ट्रिक बताएंगे, इवन मैथ्स में भी, तो उस ट्रिक से हम क्या करेंगे ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इस एंगल पे साइन, कॉस और टैन के क्या वैल्यूज होते हैं, वी विल गेट टू नो दैट. मतलब
अभी के बाद इफ आई आस्क आप लोग को कि साइन 30 क्या वैल्यू होता है, या फिर साइन 60 क्या होता है, या फिर कॉस 45 क्या होता है, एंगल्स इन्हीं में से होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू टेल मी, राइट? टैन 60 क्या होता है, टैन 50 क्या होता है, ये नहीं बता पाएंगे, है ना? ये इस एंगल के ग्रुप में नहीं आया. सो दीज आर जस्ट स्पेशल एंगल्स. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल एंगल्स, बिकॉज वी कैन रिमेंबर देयर वैल्यूज, दैट्स इट. इसके वैल्यूज कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं. तो जो क्वेश्चंस रहेंगे विच कुड बी डन यूजिंग द स्पेशल एंगल्स, देयर यू नीड टू यूज इट. तो हमारा ट्रिक ये रहेगा, साइन कॉस टैन पहले टेबल बना देते हैं, जीरो पे वैल्यू लिखेंगे, 30 पे लिखेंगे, 45 पे लिखेंगे, 60 पे लिखेंगे और 90 पे लिखेंगे. तो बस हम उसमें साइन का कॉलम याद करेंगे और फिर कॉस एंड टैन का ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ये याद कर लो, 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 एंड देन 1. एक लाइन बस याद रखना है. तो ये याद हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे यहां से पूछूं साइन 0 क्या होगा, जल्दी से ये देखो 0. साइन 30 क्या होगा, ये रहा 1 बाय 2. साइन 60 क्या होगा, रूट 3 बाय 2, क्योंकि ये मुझे याद है कॉलम, राइट? रट लेना इस कॉलम को, लर्न इट बाय हार्ट. कॉस के वैल्यूज में क्या करना है ना, लास्ट से लिखना शुरू करो. तो पहले 1 है, 1 लिख दिया, फिर रूट 3 बाय 2 है तो यहां लिख दिया, फिर 1 बाय रूट 2 है, फिर 1 बाय 2 है और फिर 0 है, राइट? टैन के में क्या करो, साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है. चलो फॉर्मूला भी याद कर लो आप लोग, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होता है. तो 0/1 करोगे तो 0 मिलेगा, 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2, देखो क्या होगा, 2/2 कैंसल, 1/√3, यहां पर 1 होगा, यहां पर रूट 3 होगा और यहां पर 1/0. गाइज दिस इज नॉट डिफाइंड, ये याद रखो, 0 अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहा है तो दैट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ओके? ये एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे हो गया. ये एक ट्रायंगल है, ठीक है? ये टेबल आप लोगों को याद करना है, पूरे टेबल अब याद नहीं करना है, बस ये याद करो एंड विथ प्रैक्टिस यू कैन इजीली गेट दीज वैल्यूज. तो हम प्रूफ करते हैं कि टैन थीटा जो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्यों होता है. ये थीटा ले लिया, ये परपेंडिकुलर पी हो गया, ये बेस बी हो गया, ये हाइपोटेन्यूस एच हो गया, राइट? टिल हियर इट्स क्लियर. सो नाउ वी कैन सी टैन थीटा वुड बी पी बाय बी, राइट? दिस इज एज पर द डेफिनेशन ऑफ टैन थीटा. एंड इफ यू सी साइन थीटा दैट वुड बी पी बाय एच एंड यू हैव टू डिवाइड दिस बाय कोसाइन थीटा दैट इज कॉस थीटा, सो दैट विल बी b by h. So what you will notice that if you divide, h gets cut and we finally get p by b only. That means it says cos theta by sin theta will be numerically equal to tan theta. Right? This was just a small proof. And what I have done here. Yes. Yes, Shivansh. If this is 90 degree, then it is not defined for that value. So you will get to know more about them, because you can see हमने trigonometry के बस basics पढ़े और almost ये class finish हो गया हमारा. So let me tell you what you all will be doing now. We have just covered up 3 trigonometric ratios. Cos 90 is 0, right? I have written here cos 90 is 0. You can see cos 90, that is 0. So if you do cos 90 by sin 90, then that's not the definition of tan. Tan is sin 90 sin theta by cos theta. So in short, it is tan 90. In short, you can say sin 90 by cos 90, right? This is 1/0.
and 1 by 0 is not defined. ठीक है. So guys, next class, remember what we will be doing. These questions, from these questions we will start. But उससे पहले you all have to do one thing. आज हमने बस तीन trigonometric ratios किए. क्या क्या तीन trigonometric ratio किए हमने? साइन किया, कोसाइन किया और टैन किया. राइट, साइन, कॉस एंड टैन. नाउ फ्रॉम द वीडियो दैट आई हैव शेयर्ड, है ना, मैं शायद एवरीवन को शेयर किया हूँ. लेट मी चेक, किसी एक को तो शेयर नहीं कर दिया. ये एक को शेयर कर दिया था गलती से, बस रोहित को शेयर कर दिया था. ये मैं सभी को शेयर कर दे रहा हूँ. यहाँ पर जाके ट्रिगोनोमेट्री के वीडियोस यू ऑल हैव टू वॉच दैट, क्योंकि उसमें जो है ना यू विल गेट कंप्लीट आइडिया अबाउट ऑल सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो कि जानना जरूरी है. ठीक है, फिजिक्स के लिए इतना इनफ है, साइन, कॉस एंड टैन, बट प्रॉपर आइडियाज रहेंगे इट विल बी गुड. सेक, कोसेक एंड कॉट, राइट, दीज सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यू ऑल कंप्लीट देम. एंड ये जो टेबल होंगे ना, फिर ये टेबल भी सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रेस्पेक्ट में होंगे. फिर कुछ रिलेशन भी हैं, जैसे कि आज हमने देखा बस कि टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना. वैसे कुछ रिलेशन है, कॉट थीटा को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोसेक को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं वन बाय साइन. तो ये रिलेशन पहले हम, बाय द टाइम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा, हम इसके कुछ रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे. सो बाय दैट टाइम आई वुड एक्सपेक्ट दैट यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट ट्रिगोनोमेट्री. फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन वी विल गो टू दीज टू क्वेश्चंस एंड देन अगेन स्टार्ट अप विद वेक्टर्स अफ्रेश. एनी क्वेश्चन गाइज नाउ? बट ये सभी को देखना है, ट्रिगोनोमेट्री सभी को देखना है. ठीक है, और ध्यान देते रहो वहां पर, कुछ जैसे हैं बेसिक मैथ्स. तो गाइज कुछ कुछ टॉपिक जो है ना दैट इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, जैसे कि हम लॉग ले लें, इफ वी टेक द वेक्टर्स, यू हैव गॉन थ्रू डिफरेंशिएशन, वी हैव इंटीग्रेशन हियर, एंड देर आर सम रिलेशंस रिलेटेड टू एरियाज एंड स्लोप. सो ये बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक मिलेंगे ना विच आर मैथमेटिकल एंड वी रिक्वायर देम इन फिजिक्स. तो इसका मैं सेपरेट क्या करता हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो वीकली एक या दो वीडियो इन बेसिक मैथ्स प्लेलिस्ट देखोगे तो आप, उसमें मैं अपलोड करते रहता हूँ. सो कीप वॉचिंग दोज गाइज, दीज आर नॉट विथ रेस्पेक्ट टू मैथ्स. जितना फिजिक्स में ज़रूरत है ना हम उतना करते हैं. आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन वी डिड टूडे, कौन सा सेकेंड क्वेश्चन रघुवी? इसका इसका ये वाला सेकंड क्वेश्चन? नो सर, द वन विद मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन अर्लियर इन द क्लास सर. ये पिछले क्लास का, अच्छा अच्छा ये ओके. हाँ, क्या डाउट है इसमें? गो थ्रू द सॉल्यूशन, व्हाट डाउट यू हैव? क्या किया हमने? पहले वेक्टर निकाल लिया, 5 meters अलोंग नॉर्थ तो मतलब 5 J cap हो गया, 4 meters अलोंग ईस्ट मतलब 4 I cap हो गया, क्योंकि यहां पर दे रखा था ईस्ट एक्स में है और नॉर्थ वाई में है. राइट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 4I + 5J. इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, 4² + 5² ये मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था कि ये कैसे आता है, बट बिफोर दैट आई थॉट टू गो विथ ट्रिगोनोमेट्री सो वी वेंट. सो डू नॉट वरी अबाउट दिस कि मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ये बार बार वी विल बी टॉकिंग इन द वेक्टर्स यूनिट. एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू?
No question. Then I am having one question. Yes, what question you have? Sir, if theta is equal to 90 degrees, sir, we won't get a triangle. We will get two parallel lines. तो इसलिए define नहीं है ना 90 degree पे. देखो किस रेशियो की बात कर रहे हो बताओ. आई विल टेल यू tan की tan 90. But we will not get a triangle, sir. How we will find ratio then? Yes, so that is the condition कि इस पे कुछ value नहीं मिल रहा है, तभी तो हमने not defined निकाल दिया. Okay, sir. है ना? और ये हमें वैल्यू से भी पता चल रहा है. 1/0, 1 को डिवाइड करो 0 से, 0 into 1000 कर दो, 0 ही आएगा, फिर भी 1 बचेगा. है ना? 0 into 1 crore कर दो, फिर भी 0 ही आएगा, फिर भी 1 बचेगा. मतलब this is not defined. Actually, ये infinite value होता है. तो एक बार you all watch that trigonometry and basic maths and then let me know. I make it sure सब चीज clear हो जाएगा उससे. चलो, see you all in the next class. Bye everyone. Thank you, sir.